दोस्तों, आर्यन खान के मामले में सबसे बड़ा अपडेट है, सबसे नया अपडेट है, और वो ये है दोस्तों कि शाहरुख खान के ड्राइवर को, आर्यन खान के ड्राइवर को एनसीबी ने दबोच लिया और फिर कई घंटों तक पूछताछ हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने जो खुलासे किए हैं, जो हैरानी भरी बातें बताई हैं, उसने तो आर्यन खान की पूरी ड्रग वाली कुंडली खोल कर रख दी है। और तो और शाहरुख खान गौरी खान को लेकर भी महा खुलासे कर डाले कि उन्हें सब कुछ पता था। एनसीबी के सामने ड्राइवर ने टूट कर सब कुछ खोल दिया और यहाँ तक कह दिया कि मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उन्होंने किया। तो ड्राइवर से क्या हुए वो 25 सवाल और जो उनके ड्राइवर ने जवाब दिए वो सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो शाहरुख खान और आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन के लिए जेल भेजा और फिर जमानत देने से भी इनकार कर दिया और सेशंस कोर्ट में बेल की अर्जी लगी तो शनिवार और इतवार की छुट्टी आ गई। मगर इधर शनिवार की देर शाम अचानक एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को दबोच लिया। जी हाँ, एनसीबी ने अचानक ड्राइवर को समन भेजा और तुरंत पेश होने को कहा। आर्यन का ड्राइवर राजेश मिश्रा तुरंत भागता भागता एनसीबी ऑफिस पहुंचा और सीधे ही राजेश मिश्रा को सेकंड फ्लोर पर स्थित इंट्रोगेशन रूम में ले जाया गया। अब यहां पर ड्राइवर राजेश मिश्रा ने आर्यन खान की पूरी कुंडली खोल दी और सूत्रों के मुताबिक राजेश ने यहां तक कह दिया कि उसे बचा लो। अब सिलसिलेवार तरीके से देखिए कि एनसीबी ऑफिस में हुआ क्या और ड्राइवर ने क्या क्या उगल दिया। राजेश मिश्रा शनिवार शाम करीब 4 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंचा और सीधे ही सेकंड फ्लोर पर उसे ले जाया गया, जहां पहले से ही अधिकारी पूछताछ के लिए तैयार थी। राजेश मिश्रा के सामने पूछताछ के लिए खुद एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके साथ 2 और अधिकारी भी थे, यानी कुल 3 अधिकारी टेबल के उस तरफ मौजूद थे। अब सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर राजेश मिश्रा एनसीबी की तरफ से पहला सवाल दागा गया कि तुम कब से शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हो। तो राजेश मिश्रा ने जवाब दिया कि मैं पिछले करीब 10-12 सालों से शाहरुख और उनके परिवार के साथ काम कर रहा हूं। तुरंत ही एनसीबी ने पलट कर कहा, 10 या 12 साल कन्फर्म बताओ। तो राजेश मिश्रा ने कहा कि 10 साल से वो शाहरुख खान और उनके परिवार की गाड़ी चला रहे हैं। एनसीबी की तरफ से शाहरुख के ड्राइवर राजेश से दूसरा सवाल पूछा गया, आर्यन खान की गाड़ी कब से चला रहे हो। तो ड्राइवर राजेश ने जवाब दिया कि पहले तो आर्यन विदेश में पढ़ाई करते थे और कभी कभार छुट्टियों पर मुंबई आते थे, और जब भी आर्यन मुंबई छुट्टियों पर आते थे उनकी गाड़ी मैं ही चलाता था। अब तो एनसीबी को बहुत बड़ा गवाह हाथ लग चुका था, क्योंकि शाहरुख का ड्राइवर राजेश मिश्रा कबूल कर रहा था कि वही आर्यन की गाड़ी चलाता है और लंबे समय से चलाता आ रहा है। आगे देखिए, एनसीबी ने तुरंत ही सवाल दाग दिया कि आर्यन खान कब से ड्रग ले रहा है। अब इस सवाल पर ड्राइवर राजेश मिश्रा सकपका गया, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी ऐसे अचानक ये वाला सवाल सामने आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर राजेश मिश्रा ने कहा कि वो नहीं जानता कि आर्यन कब से ड्रग ले रहा है। एनसीबी ने अगला सवाल पूछा कि क्या आर्यन ड्रग लेता है या नहीं, इसके बारे में उसे जानकारी है। तो ड्राइवर ने फिर से हैरान कर दिया। ड्राइवर राजेश ने कहा कि हाँ, इन दिनों न्यूज में कुछ आ रहा है, मुझे भी इतना ही पता है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अब एनसीबी ने पूछा कि क्या आर्यन ने कभी उसके, यानी कि ड्राइवर राजेश के सामने ड्रग ली है। तो राजेश मिश्रा का जवाब एक बार फिर से हैरान करने वाला था। राजेश मिश्रा ने कहा कि आर्यन मेरे सामने सिगरेट पीते हैं और वो काफी लंबे समय से सिगरेट पीते रहे हैं। अब सिगरेट में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ड्रग होती है या नहीं भी होती, ये मैं नहीं जानता और मैं ये कह भी नहीं सकता। हाँ, आर्यन सिगरेट पीते हैं और मैंने उन्हें सिगरेट पीते हुए कई बार देखा है, उन्होंने मेरे सामने कई बार सिगरेट पी है। अब आगे बढ़ने से पहले समझिए कि ड्राइवर ने ये तो कह दिया कि उसके सामने आर्यन ने कभी ड्रग नहीं ली, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो नहीं जानता कि आखिर सिगरेट में क्या भरा होता है, सिगरेट के अंदर क्या होता है। यानी कि एनसीबी को ड्राइवर राजेश मिश्रा ने एक और क्लू दे दिया दोस्तों। अब आगे देखिए, एनसीबी को काफी कुछ मिल रहा था और एनसीबी अब सीधे 2 अक्टूबर के दिन पर पहुंच गई।
और ड्राइवर राजेश मिश्रा से सवाल दागा कि 2 अक्टूबर को क्या तुमने ही आर्यन खान को क्रूज पार्टी के लिए छोड़ा था? तो शाहरुख के ड्राइवर राजेश ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ही आर्यन सर को उस दिन पार्टी के लिए क्रूज के पास छोड़ा था और उसके बाद मैं घर वापस आ गया था। आर्यन सर ने मुझे घर वापस जाने को कहा था। अब तुरंत ही एनसीबी ने इसके बाद अगला सवाल भी दाग दिया कि आप घर से गाड़ी लेकर आए तो जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान और गौरी खान को भी इसका पता होगा कि आर्यन कहीं बाहर जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो यहां पर एक बार फिर से ड्राइवर ने हैरान कर दिया और सबसे बड़ा खुलासा कर दिया। ड्राइवर राजेश मिश्रा ने कहा कि शाहरुख सर बेहद बिजी रहते हैं, लेकिन मैनेजर के जरिए उन्हें सब कुछ पता होता है कि घर पर क्या हो रहा है और गौरी मैम घर पर रहें या बाहर रहें, उन्हें हर हाल में पता होता है कि आर्यन खान कहाँ होते हैं, आर्यन खान क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। ड्राइवर ने आगे कहा कि इस बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि उस दिन यानी कि 2 अक्टूबर के बारे में उनको पता था या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शाहरुख खान और गौरी खान जब दोनों को पहले से बहुत सारी चीजें पता होती हैं तो उस दिन भी ये जरूर पता होगा, शाहरुख खान और गौरी खान को जरूर पता होगा कि आर्यन खान कहाँ जा रहे हैं या फिर क्रूज पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ क्या होने वाला है। अब ये बहुत बड़ा खुलासा है या कहें कि इस केस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इसके तुरंत बाद एनसीबी ने ड्राइवर से अगला सवाल दाग दिया कि उस दिन शाहरुख के घर से गाड़ी में कौन कौन बैठे थे और आर्यन के साथ कौन कौन था। तो तुरंत ही ड्राइवर राजेश मिश्रा ने तोते की तरह जवाब दे दिया क्योंकि वो इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार था और उसे पता था कि ये सवाल जरूर होगा। उसने कहा कि आर्यन के साथ उनके दोस्त अरबाज, प्रतीक, गाबा और एक और शख्स भी मौजूद थे। ड्राइवर ने बताया कि मर्सिडीज कार से इन चार लोगों को लेकर मैं ही गया था और क्रूज के पास सभी चारों को एक साथ छोड़ा था। अब तो एनसीबी की वो बात भी सही साबित होने लगी थी जिसमें एनसीबी का कहना है कि ये सब कुछ पहले से साजिश के तहत हो रहा था और सब कुछ पहले से तय प्लान के मुताबिक एक ही गाड़ी से चारों निकले थे। शाहरुख खान के घर मन्नत से ये चारों लोग निकले थे, एक साथ वहां पहले जमा हुए थे और उसके बाद एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे और एनसीबी के मुताबिक बड़ी पार्टी के लिए, ड्रग पार्टी के लिए प्लान बनाया गया था और ये पूरी साजिश का हिस्सा था और इसीलिए इसके लिए एनसीबी ने अलग से धारा भी जोड़ी है। राजेश मिश्रा से अगला सवाल किया गया कि क्या उन्होंने आर्यन के साथ कभी ड्रग ली है? तो यहाँ पर राजेश बुरी तरह से घबरा गया। राजेश ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं ऐसा नहीं हूँ, जो किया उन लोगों ने किया, मुझे बचा लो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। यानी कि राजेश मिश्रा ने बता दिया कि कुछ तो गलत किया गया, कुछ तो प्लान पहले से था, कुछ तो हो रहा था जो कि एनसीबी के आरोपों की तस्दीक भी करता है। करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा को छोड़ दिया और साफ साफ ये भी हिदायत दी कि उसे कुछ भी पता चलेगा तो वो सीधे एनसीबी को बताएगा और कुछ भी छुपाएगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। इसी हिदायत के साथ ड्राइवर राजेश मिश्रा को छोड़ दिया गया। मगर ड्राइवर राजेश ने जो खुलासे किए वो हैरानी भरे थे दोस्तों, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर ने न सिर्फ ये बताया कि वो आर्यन और उसके दोस्तों को क्रूज पर छोड़कर आया था, बल्कि ये भी बताया कि पहले से ही इसका प्लान था और आर्यन के बाहर जाने के बारे में, पार्टी में जाने के बारे में, क्रूज पर जाने के बारे में, आर्यन की उस पार्टी के बारे में शाहरुख खान, गौरी खान तक को भी पता होगा, जरूर पता होगा, क्योंकि उन्हें पहले से पता रहता है तो इस बात का भी उन्हें जरूर पता होगा। तो अब इस बड़े और हैरानी भरे खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।